नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने बताया था कि 15 मार्च से ऑनियन एक्सपोर्ट करना वापस चालू कर रही है गवर्नमेंट। जो 6 महीने से गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ था वो गवर्नमेंट वापस चालू कर रही है। दोस्तों, यही अपॉर्चुनिटी है उसको एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करने की। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, 1.5 साल पहले हमने ये मुहिम चालू की थी। हमारी खुद की कंपनी है दुबई के अंदर, हमारी खुद की कंपनी है श्रीलंका के अंदर, और बाकी भी बहुत सारी, कुवैत हो गया, कतार हो गया, बहरीन हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा मेरा आज से 1.5 साल पुराना वीडियो, तो मैंने बताया था कि क्या क्या गलतियाँ एक्सपोर्टर्स ऑनियन के एक्सपोर्ट करवाने वाले या कैसे करते हैं, या उनके क्या कैसे फ्रॉड होते हैं, राइट, कि पैसा नहीं आता है, पैसा डूब जाता है, कमीशन बेस पे जाता है। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए अगर हमने लास्ट 6 महीने अगर स्टडी किया है प्रॉपरली, आपने देखा होगा तो इजिप्ट, टर्की, ईरान हो गया, या इवन पाकिस्तान का जो ऑनियन आता था वो ऑनियन भी उधारी के ऊपर नहीं आता था, फिक्स प्राइस के ऊपर रहता। तो मैं चाहूँगा कि अभी आप उस फिक्स प्राइस के ऊपर काम करें। एज अ मनोहर इंटरनेशनल हमने भी ये हमारे लेट्स एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हम लोग 5S कंसेप्ट के साथ काम करते थे, सोर्सिंग, सप्लाइंग, शिपिंग, सेलिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट। यही 5S के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी पेमेंट के साथ फिक्स प्राइस के साथ, चाहे मिनिमम, क्योंकि वॉल्यूम का काम है ये, तो मार्जिन बहुत कम रहते हैं, बट ये टर्नओवर का गेम है। जितना बड़ा टर्नओवर करो उतना ज़्यादा बेनिफिट, जितना जल्दी पैसा आपका घूमेगा उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। पर वो पैसा कब घूमेगा? जब आपके पास पैसा आएगा, और वो भी कब आएगा? टाइम से आएगा, राइट। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अगर ऑनियन का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो लास्ट 6 महीने का अगर हमने एक्सपीरियंस चेक किया, या आपने कभी ट्राई किया होगा इजिप्ट से इंपोर्ट करने का, टर्की से इंपोर्ट करने का, तो कोई उधारी नहीं देता इन लोगों को। ये लोग इंपोर्ट कर ही रहे थे। ये दुबई की बात करूँ, श्रीलंका की बात करूँ, बांग्लादेश की बात करूँ, या आपको कुवैत या बहरीन की बात करूँ, या ओमान की बात करूँ, ये सारे लोग जो थे 100% एडवांस दे के ही माल मंगवाते थे, 30% एडवांस देते थे और 70% अगेंस्ट फिक्स ऑफ बिल ऑफ ट्रेडिंग देते तभी जाके माल मंगवाते थे। तो अगर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये अगर 6 महीने का बैन लगाता, शायद हम लोग कह सकते हैं हमारे एक्सपोर्टर को शायद थोड़ी तकलीफ हुई थी, बट इस तकलीफ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। आज ये अपॉर्चुनिटी को समझिए और उधारी के चक्कर में मत आइए। कोई इसी से के भरोसे में मत बैठिएगा, वो है आपके सपोर्ट के लिए। हम इंश्योरेंस डेफिनेटली लेते हैं कि पीछे कुछ नहीं हो जाए, पर इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता गाड़ी का एक्सचेंज कर देते हैं, नहीं करते ना हम लोग। तो वैसे ही ये मत कीजिए, 30% एडवांस और 70% अगेंस्ट फैक्स ऑफ बिल ऑफ ट्रेडिंग। अगर बिल ऑफ ट्रेडिंग मिलती है, ओरिजिनल पैसा आता है आपके अकाउंट में, तो ही आप उसको डॉक्यूमेंट डेड होगा, खाते में आने के बाद ही। ध्यान दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं टीटी, अभी देखा होगा आपने वो लास्ट 6-8 महीने में राइस का केस हुआ था, डमी कॉपी दी गई थी, टीटी कॉपी। जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तब तक उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर मत कीजिएगा, राइट। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हम लोगों भी मनोहर इंटरनेशनल के अंदर, दुबई के अंदर, श्रीलंका के अंदर और बाकी बहुत सारी कंट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो 100% एडवांस के साथ ही काम कर रहे हैं। हमें भी ये ट्रेंड चेंज करना है। अगर आज हम लोग ये यूनिटी दिखाएंगे, आज हम लोग ये मिलके करेंगे, राइट, तो ही ये काम हो सकता है। मैं मेरी बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है वो सिखाइए और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के साथ ही एक्सपोर्ट करवाइए, ताकि हमारा एक्सपोर्टर लॉस ना करे। तो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है, जो भी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या जो भी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन सब से गुजारिश है 100% एडवांस के ऊपर ही आपके पार्टिसिपेंट को या आपके पहचान वाले को भी इंसिस्ट कीजिए, जो इंटरनेशनल मार्केट की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, राइट, उसी के ऊपर इंसिस्ट कीजिए, उसी के ऊपर एक्सपोर्ट करवाइए, ताकि हमारा एक्सपोर्टर इस चीज़ को लेकर सफ़र नहीं करे, राइट। तो आइए हम मिलके प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर सिस्टम समझ के एक्सपोर्ट करते हैं। आपको भी और कोई जानकारी चाहिए तो मैं लेट्स एक्सपोर्ट का नंबर दिया हुआ, एक बार बात कर लीजिए। हम लोग भी 100% एडवांस, 30% एडवांस है, 70% फिक्स ऑफ बिल ऑफ ट्रेडिंग के साथ ही हम लोग ट्रैवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विद अ फिक्स, लो मार्जिन है थोड़ा सा, लेकिन फिक्स मार्जिन है, तो कि आपका पैसा ज़्यादा फास्ट घूम पाए। अगर आप भी हमारे साथ मिलके, हमारे साथ जुड़ के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है हमारी टीम से एक बार बात कीजिए और वो समझिए सिस्टम कैसे हो रही, उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए।
उसके अलावा की भी अगर बात करूं तो आपको अगर प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम के बारे में समझना है, अगर एक्सपोर्ट के अंदर आप नए हो और एक्सपोर्ट कैसे होता है वो सिस्टम समझनी है, सो वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया जिसके 34 से ज़्यादा सेंटर्स अक्रॉस इंडिया के पैन इंडिया के अंदर हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर लोगों को प्रैक्टिकली कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो जो लोग भी फील्ड से काम कर रहे हैं वही लोग आके आपको एक्सपोर्ट सिखाते हैं। आपके मन के जो प्रॉब्लम्स है एक्सपोर्ट को लेकर डर है वो सारे दूर करने का हमारा एक मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर उद्देश्य है। तो एक बार मेरी गुजारिश है हमारे काउंसलर से बात कीजिए, समझिए और एक्सपोर्ट के अंदर आगे बढ़िए तो ही वो हमारे सुनहरे दिन से वापस आ पाएंगे। चाइना के सामने अभी चाइना का कोरोना वायरस के कारण बहुत बड़ा ग्लोबल इफेक्ट हुआ है, सारे लोग उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और इंडिया ही एक प्रॉपर अल्टरनेटिव चाइना का है। तो मेरी गुजारिश है उसका बेनिफिट लीजिए और एक्सपोर्ट में ही फील्ड में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाइए। तो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।